बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने सिखाने लगी हैं जो कि सर्दियों में खाई जा सकती है। चलिए आइए बिना टाइम इसकी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक प्याली दही है, फिर मेरे पास यहाँ पे जो फिश करी मसाला होता है घर का पिसा हुआ वो है, हम आपको उसकी रेसिपी भी बता देते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी है, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, फिर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, फिर 2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे तला हुआ और पिसा हुआ कुटा हुआ प्याज है, फिर हमारे पास यहाँ पे मेथी दाना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको जो फिश करी पाउडर है वो बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, फिर हमारे पास यहाँ पे 5 अदद लौंग है और 6 अदद हमारे पास यहाँ पे छोटी इलायची है, फिर यहाँ पे हमारे पास तेज़पत्ता है, ये हमारे पास यहाँ पे तेज़पत्ता और साथ में 2 टुकड़े हमारे पास यहाँ पे दालचीनी के और 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ पे काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे धनिया है और 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया है और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स। अब दोस्तों हम इन सब चीज़ों को फ्राई पैन के अंदर डाल के हम इनको भून लेंगे और बाद में फिर हम इनको कूट लेंगे। अब दोस्तों देखिए हमने इसको पीस लिया अच्छी तरह से, आप इसको ग्राइंड में डाल ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो कुछ प्याज होता है तला हुआ वो है, और हमारे पास यहाँ पे जो तला हुआ लहसुन होता है वो है तकरीबन 2 से 3 जब। अब हम इनको भी कूट लेंगे और उसके अंदर डाल लेंगे। दोस्तों देखिए हमने उसको पीस लिया, अब हम उसको भी जो हमने पहले मसाले भून के पीसे थे हम उनको उसके अंदर डाल लेंगे। अब दोस्तों हमने उसके अंदर वो जो हमने मसाले पीसे थे और सारा जो प्याज था और जो लहसुन था वो पीस के हमने इसके अंदर डाला था वो मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर जो लाल मिर्च होती हैं वो डालेंगे। अब दोस्तों हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है, अब हम उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे जो फिश करी मसाला होता है वो तैयार हो चुका है, अब हम अपनी फिश करी रेसिपी की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दही है, अब हम इसके अंदर पहले लाल मिर्च हम डाल लेंगे, फिर हम इसके अंदर हल्दी डाल लेंगे, फिर हम इसके अंदर धनिया डाल लेंगे, फिर मैं इसके अंदर जो हमारा फिश करी मसाला था जो हमने बनाया था अभी हम वो डाल लेंगे इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1 अदद टमाटर है और जो तला हुआ प्याज होता है हम वो है, अब उसको हम ग्राइंड में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया, अब हम उसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर डाल लेंगे और 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर डाल देंगे और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका दोस्तों पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ भी मछली है, इसके अंदर से हमने पानी अच्छे से निकाल लिया था, ये देखिए। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम हल्दी और नमक लगाएंगे और इसको हम रख देंगे, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और हम उसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन रख देंगे 15 मिनट के लिए। अभी देखिए हमने इसके ऊपर नमक और हल्दी लगाई है, हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसके ऊपर हल्दी और नमक लगा लेंगे। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे तेल गर्म करके फिश उसके अंदर फ्राई होने के लिए रख दिया और यहाँ पे हमने एक और कढ़ाई लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल लिया और उसके अंदर हम जो मेथी दाना था वो डाला थोड़ा सा और हम उसके अंदर ज़ीरा डाल लेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब दोस्तों
हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल लेंगे, प्याज और टमाटर का। उसको 2 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। दोस्तों देखिए हमारी यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी अच्छी गोल्डन और कितनी खूबसूरत फिश लग रही है। अब दोस्तों ये देखिए हम यहाँ पे भून लिए। अब हम जो हमने दही के अंदर चीज़ें मिक्स की थी, मसाले मिक्स किए थे, हमने वो भी इसके अंदर डाल दिए। हम इसका पानी खुश कर लेंगे दही का। दोस्तों हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका तेल ऊपर आ जाए और बाद में फिर ये जो हमने फिश फ्राई की है इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। दोस्तों देखिए तेल ऊपर आ गए, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसके अंदर फिश ऐड कर लेंगे। दोस्तों हमने इसके अंदर सारी फिश डाल दी। आपने इसको भूनने देना, इसको पका लेना, आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। अब दोस्तों हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे, इसको शोरबा बना लेंगे। आपने दोस्तों इसके अंदर जो चम्मच होता है वो नहीं चलाना, आप चम्मच लाएंगे तो जो फिश है वो टूट जाएगी। अब दोस्तों हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है और इसका तेल ऊपर आ जाए। आपने ग्रेवी इसका अपने हिसाब से रखनी है। अब दोस्तों देखिए हमारी फिश करी तैयार हो चुकी है, कितनी टेस्टी और कितनी मज़ेदार है। और दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो इसका ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।